एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और वेलकम बैक माय चैनल इंडियन मॉम्स एंड ब्यूटी। और अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और मैं जा रही हूँ किचन में कुछ शाम का हल्का फुल्का कुछ बनाने। पकौड़ियाँ बनाऊँगी आलू और प्याज की, तो काफ़ी दिनों से नहीं बनाया है। एक्चुअली जल्दी मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि उसमें बहुत ऑयल लगता है, तो बच्चे भी बहुत पसंद नहीं करते हैं, बट आज कुछ खाने का मन कर रहा है तो इसलिए। तो चलिए, और चाय बनाऊँगी, उसके बाद बनाऊँगी डिनर। एक घंटे के बाद बनाऊँगी डिनर, और डिनर में बनाऊँगी आलू के पराठे। स्पेशली मुझे और मेरी बेटी को काफ़ी पसंद है, मेरे हब्बी जी को बहुत नहीं पसंद है, बट पसंद करते हैं। बट मैं और पीयू बहुत ज़्यादा पसंद, हम लोग दोनों माँ बेटी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और अभी जो विंटर वेकेशन स्टार्ट हो रहा है, तो आप पराठे खाइए, आलू के खाइए, गोभी के खाइए, काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इस टाइम में बहुत ही ईजिली वो डाइजेस्ट भी हो जाते हैं। तो मैं वही किचन में जा रही थी, चलिए किचन में आप लोग के साथ, आप लोग भी आइए। और आप लोग को खिला तो नहीं सकते हैं, बट शेयर कर सकती हूँ। तो चलिए चलते हैं किचन में। और देखिए, मैंने सारी तैयारियाँ करके यहाँ पे रखी हुई है। बहुत ज़्यादा नहीं मुझे बनाना है क्योंकि फिर आलू के पराठे भी हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने दाल भी दिया है, मैं बना रही हूँ। आलू और प्याज को कट करके मैंने मिश्रण बना के रखा हुआ था, और फटाफट बनाऊंगी। और क्योंकि इसके बाद आलू के पराठे बनाने हैं तो ज़्यादा हैवी ना हो, इसलिए मैंने बहुत कम ही बनाया है। बच्चे बहुत नहीं खाते, हम लोग भी लाइट ही खाएंगे। अभी मौसम चेंज हो रहा है तो गले में भी खराश वगैरह हो रही है सभी को, और मेरी आवाज़ भी आप लोगों को थोड़ी डिफरेंट लगेगी, तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। और मैंने यहाँ पे प्याज आलू को बहुत महीन महीन करके इसमें कट करके इसमें बेसन और जो भी अदरक लहसुन का पेस्ट और जो भी बेसिक मसाले हैं, थोड़ी सी मैंने इसमें सूजी भी मिलाई है, उससे बहुत क्रिस्पी बन जाते हैं पकौड़े। मुझे जब कुछ नहीं मिलता है, तो जब मुझे बहुत झटपट कुछ बनाना होता है, तो मैं बेसन में सूजी, थोड़ी सी सूजी मिला लेती हूँ, तो इससे पकौड़े काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। और इसके साथ चाय बनाऊँगी। और ऐसे ही करके सारे पकौड़े मैं वन बाय वन करके सारे फ्राई कर तल लूँगी। और मैं बहुत ज़्यादा कढ़ाई में ऑयल नहीं डालती क्योंकि फिर तलने के बाद जो तेल बच जाते हैं, तो वो उसे मैं बार बार यूज नहीं करती हूँ। तो मैं जब भी कुछ भी फ्राई करती हूँ या कुछ भी मुझे बनाना होता है, तो उसकी क्वांटिटी ऑयल की थोड़ी मैं कम ही रखती हूँ कि ऑयल ज़्यादा बर्बाद भी ना हो, और जो ऑयल हो चुके हैं मतलब पक चुके हैं, वो मुझे बार बार यूज ना करना पड़े। और देखिए, सारे पकौड़े मेरे बन चुके हैं। आइए आप भी हमारे साथ खाइए। मेरे हब्बी जी यहाँ बैठे हुए हैं। अब मैं इनके लिए पकौड़ियाँ ला रही हूँ जो मैंने शाम को बनाई थी। अभी जस्ट आज तो छुट्टी है, बट आज भी बाहर ही रहते, देखिए हंस रहे हैं। और देखिए डुगू पीयू हम लोग कहाँ गए, देखिए डुगू को बैठ करके क्या कर रहा है। अभी हम लोग चाय पियेंगे और पकौड़ियाँ खाएंगे। आइए अभी हमारे साथ खाइए। और यहाँ पे हम नाश्ता वास्ता होने के बाद हम लोग नीचे यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे ऑफिस का वर्क मेरे हब्बी जी यहीं पे करते हैं, तो बच्चे पीयू यहाँ पे कुछ ड्राइंग वगैरह कंप्यूटर में कर रही थी, और डुग्गू अपने बाइक से खेल रहा था, और मैं भी यहीं पे थी। तो मैं खड़ी थी और बच्चे कुछ खेल रहे थे, तो
उसके बाद थोड़ी देर बच्चों को पढ़ाऊंगी, उसके बाद ही डिनर की तैयारी करूंगी। तो पीहू देखिए यहाँ पे वो कुछ ड्राइंग वगैरह बना रही थी और मैं खड़ी थी। एक्चुअली नीचे कुछ लोग आए थे तो मेरे हब्बी जी वहीं पे थे, वो बात कर रहे थे, तो मैं भी बच्चों के पास ही खड़ी थी। और डुग्गू इधर अपने बाइक में बिजी था। और उसके बाद मुझे किचन में भी तैयारियां करनी है, तो मैं यहाँ पे मैं किचन में आलू मैश कर रही हूँ और थोड़े से गोभी में आलू गोभी के पराठे बनाऊँगी। और यहाँ पे टमाटर को मैंने थोड़ा हल्का पकाया, इसकी मैं चटनी बनाऊँगी। और मैंने गोभी को अच्छे से फ्राई कर लिया है, तो अब मैं इसमें आलू भी डाल दूँगी। और इसमें सारे जो थोड़ी सी मैंने इसमें अदरक भी क्रश करके डाली है, काफ़ी अच्छी लगती है। अगर आपके पास हरा धनिया हो तो हरा धनिया भी आप डाल सकते हो, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। और यहाँ पे इसकी चटनी बनाऊँगी आलू के पराठे के साथ, काफ़ी यम्मी लगती है। आटा भी मैंने लगा लिया है, तो मैं फटाफट पराठे बनाऊँगी और हम लोग डिनर जल्दी करते हैं। तो मैंने पराठे बेल लिए हैं और फटाफट मैं सेक लूँगी पराठे, और पराठे भी सेक चुके हैं दोनों तरफ से। मैं घी लगा के इसे अच्छे से सेकूँगी। और मुझे तो काफ़ी पसंद है, आप लोगों में से किसको पसंद ज़रूर बताइएगा। आलू के पराठे तो मेरे एकदम फेवरेट है, काफ़ी अच्छे लगते हैं, मेरे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, स्पेशली पीहू मेरी बेटी, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और थोड़ी सी डिनर होने के बाद थोड़ा मुझे अपना साफ रूम में थोड़े कपड़े वगैरह भी रखने हैं, तो मैं इसलिए फटाफट मैंने सोचा कि डिनर करने के बाद मैं ये वो काम कर लूँगी कंप्लीट, सबको डिनर कराने के बाद। और आइए अभी हमारे साथ खाइए आलू के पराठे और चटनी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी जस्ट किचन से आ गई हूँ और सभी लोगों ने खाना खा लिया है। अभी किचन बस क्लीन करना है, उसके बाद थोड़ी देर अभी मैं आप लोगों से बातें करूँगी। और अभी मैंने किचन क्लीन नहीं किया है, रात को ही मैं किचन क्लीन कर देती हूँ। मॉर्निंग में काफ़ी इजी होता है, बस हल्का सा किचन साफ़ करके आप उसे यूज कीजिए। तो मैं सारे जो भी काम होते हैं वो मैं सारे रात में ही कर लेती हूँ। और आज मन थोड़ा मेरा काफ़ी दिल थोड़ा सैड था, क्योंकि काफ़ी एक साल हो गए हैं अपनी मम्मी के घर नहीं जा पाई हूँ, तो काफ़ी याद आती है, जाने का बहुत दिल करता है, तो बट मजबूरी है, नहीं जा सकते हैं। और मेरे मायके से भी लोग नहीं आते हैं मुझसे मिलने, बिल्कुल भी नहीं आते हैं। मम्मी अभी गृह प्रवेश जब हम लोगों ने किया था तो मेरी मम्मी बस आई थी, और एक बस माँ मम्मी की बहुत याद आती है, बहुत उन्हें मिस करती हूँ। ऐसे तो सभी लोगों को मिस करती हूँ बट माँ को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और मेरे बच्चे भी बहुत नानी घर जाने के लिए हमेशा उतावले रहते हैं, क्योंकि वो जब अपने कज़न सिस्टर को देखते हैं कि वो अपनी नानी घर जाती है और हम लोग नहीं जा पाते हैं, क्योंकि मेरा घर मायका दूर है, ट्रेन से जाना होता है, तभी कोरोना की वजह से हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो बच्चे काफ़ी बहुत निराश हो जाते हैं, तो मैं उन्हें फिर समझाती हूँ। और बच्चे तो बच्चे भूल जाते हैं, बट मैं अपने दिल को नहीं समझा पाती हूँ। काफ़ी एक साल हो गए हैं तो एकदम दिल बहुत ज़्यादा ये हो जाता, तो आज मैं काफ़ी सुबह से मेरा मूड काफ़ी सैड था। मम्मी से बातें कर लेती हूँ पर जा नहीं पाती हूँ। चलिए ये सब बातें तो होती रहेंगी, और अब मैं थोड़ी सी मैं सैड हूँ, बट मैं अपने आप को अपने दिल को समझा लेती हूँ। और
अब इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर अपने अगर मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और यहाँ पे हम लोग डिनर के बाद छत पे आए थे तो आपको दिखा रहे हैं, देखिए चंदा मामा। गुड नाइट, बाय बाय।